अंकल नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा? हम तो ठीक हैं, आप ठीक हैं? अरे हमको क्या होगा, हम तो हमेशा ही ठीक रहते हैं और बिगड़ा वालों को ठीक करते हैं। क्यों रे लड्डू, बताओ ना भाई को, तुमको कितना ठीक किए हम, कितना बिगड़े हुए थे तुम। अरे मुंह क्या दिखता है, बताओ इसको उल्लू का पट्टा। सही बोलते हैं पापा कि हमारा जीजा जी बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसे डांट रहा अपना छोटा बेटा को। हाँ बहुत बिगड़े हुए थे, मेरे पापा ही हमको मार मार के हमको सीधा किए है। सुने हमको गलती बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो हमारा ही बच्चा क्यों नहीं हो, तुरंत ठीक करते हैं उसको हम। अच्छा ये बताओ कब आए हो तुम? 2 घंटा पहले आए अंकल। अच्छा 2 घंटा पहले आए हो, और ये अंकल अंकल काहे बोल रहे हो, फूफा बोलो हमको। अंकल अंकल, अंग्रेज का औलाद बनते हो हा? ढेरी पढ़ाई की हो अंग्रेजी हा? हम तुमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, समझे? तुमसे ज्यादा अंग्रेजी आता है लेकिन हम बोल रहे अंग्रेजी, हिंदी में बात कर सकते हो? हिंदी बोलो, हिंदी बोलो हमको फूफा जी, नहीं तो अभी 2 जूता लगाएंगे ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारा मुंह में जवान दिए भगवान, तो हिंदी नहीं बोल सकता है तुम? हाँ फूफा बोलने में दिक्कत होता है, अंकल बोलने में दिक्कत नहीं होता है? हाँ काहे काहे ऐसा होता है, तुम्हारा माँ बाप तुमको नहीं सिखाया है बड़ा से कैसे बात किया जाता है, क्या बोला जाता है बुआ के हस्बैंड को, इतना सा बात नहीं पता है तुमको? हाँ बाकी बोलता हम काला का दुआ बहुत तेज है, दिख रहा है तुम कितना तेज है, निक्कर पहन के आया है पगला का पगला, निक्कर पहन के आया जाता है अपना फूफा लोग के यहाँ। हाँ सारे इतना दिन से निक्कर नहीं बदल रहा है, तुम्हारा जो फोटो होता है इसी निक्कर में आता है, पैंट नहीं है तुमको, तुम्हारा ही निक्कर फटता नहीं है, पगला कहीं का मुंह देखता है बोलता कहीं रे फूफा आपको है बोल। और तुम ये मत सोचो कि तुम मेहमान है तो तुमसे गुस्सा से हम बात नहीं कर सकते है, तुमको डांट नहीं सकते है, प्यार से बात कर रहे तो क्या समझ रहे हो, गुस्सा नहीं कर सकते है, गुस्सा करके दिखा है, है? अरे प्यार ऐसा होता है तो गुस्सा कैसा होता है, ऐसा प्यार नहीं चाहिए हमको। सही बोल रहे थे पापा, ये फूफा जी बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्या पगला एकदम। अब समझ में आया ये बुआ के घर में एक आदमी भी अक्लमंद नहीं है, सब सलाह करे है, लगता है पापा हमसे बदला लेने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। हम बोले हम घूमने जाएंगे, घर में मजा नहीं आ रहा तो साला लगता है हमको कैद खाना में भेज दिए ठीक करने के लिए। अरे बोलो ना सोचता क्या रहे हैं, काहे नहीं बोलता है फूफा जी? हाँ हाँ बोलते हैं अंकल, फूफा जी बोलते हैं, फूफा जी हम 2 घंटा पहले आए हैं। अच्छा 2 घंटा पहले आए हो, चाय नाश्ता किए हो कि खाली बकवासे कर रहे हो? हाँ ए उल्लू का पट्टा, चाय नाश्ता करवाया है कि नहीं करवाया है, मेहमान आया है कि बैठ गए थे पगलेट की तरह, पूछे हो चाय नाश्ता? अरे हाँ हाँ करवाया चाय नाश्ता, बार बार हमको उल्लू का पट्टा काहे बोलते हैं, ना जगह देखते हैं ना कुछ, अब मेरा शादी हो गया कमीज से बात कीजिए। अरे साले जूता मारेंगे तुम्हारा तमीज को ना, तो कमीज पहनना भूल जाएगा समझा, बाप को बोलता हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे, तुमसे ऐसे नहीं करे तो कैसे करे रे बात है? तुम रे काला का लूटा, तुमसे पूछे तुम चाय नाश्ता किया कि नहीं, तुम नहीं जवाब दे सकता है, तुम्हारा तो मुंह में लगता है जवानी नहीं है, है? नहीं है बोलो नहीं है तो निकाल के काट दे जो दिख रहा हमको। अरे ये बुड्ढा बोलने तो देता नहीं है, खुद ही बकबक किया जा रहा है, हमसे पूछते पूछते लड्डू भैया से पूछने लगा और डांटने भी लगा और हमको बोला तुम्हारा मुंह में जवान नहीं है। अरे फूफा जी हम नाश्ता कर लिए हैं, हमसे पूछिए ना, उधर क्या पूछते हैं, बात हमसे करे तो हमसे किया कीजिए, तमीज में रखिए हमारे सामने, हमको नहीं दिखाइए ज्यादा, डरा दिया अब इसको बुड्ढा को, अब हमारे सामने आँख नहीं दिखाएगा हमको। अरे क्या आँख दिखाता है, चिल्ला के दिखाता है, जबान बोले चलाने के लिए तो कैंची की तरह चलाता है ये, काट के फेंक देंगे समझे, नहाए हो कि नहीं ये बताओ। अरे कार्टून जा तभी भी आँख दिखा रहा है तुम, आँख छोटा करो, बड़ा मत करो, छोटा करो चलो, और ये बताओ नहाए हो कि नहीं, ऐसे छोटा करके बात करो आँख, और दांत पे दांत रख के ऐसे काहे बैठे हो, हंसो चलो हंसो, हंसते हुए बोलो नहाए हो कि नहीं। अरे ये बुड्ढा तो हमको पगला लग रहा है, साला लग रहा है हम पागल खाना में आ गए। अरे फूफा जी नहा लिए नहा लिए, चिंता मत कीजिए, आए हैं तो नहाए तो होंगे ना, नाश्ता भी कर लिए, भर पेट नाश्ता किए, भाभी हमको चाय पिलाया है। अरे साला पिया चाय और पूछ रहे नाश्ता किए हो तो बोलता है नाश्ता किए, झूठ बोलते हो हैं? और चाय के साथ चूहा और छिपकली का बिस्कुट खाया? अरे फूफा जी हम उसे नहीं खाते हैं, हम चूहा और छिपकली का बिस्कुट नहीं खाते हैं। अरे काला कलूठा तुम चूहा और छिपकली का बिस्कुट नहीं खाता है तो अभी खाना में तुमको चूहा और छिपकली खिलाएंगे तो कैसे खाओगे है? तुमने लिए अलग खाना बनवाए है, चुपचाप से जो बनाओ खाना पड़ेगा समझे, ज्यादा बकवास नहीं करेगा, हमको ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा समझे, जो बनेगा वो खाना पड़ेगा, घूमने आयो घूमो
और काम करो, जो बोलेंगे वो काम भी करना होगा, समझे? तुम्हारा बाप का घर नहीं है जो टांग पसार के रोटी तोड़ोगे, समझे? जितना रोटी खिलाएंगे उसका 10 गुना काम करवाएंगे, समझे? तब 2 रोटी देंगे, कहे कि हमको पता है ऐसे बैठे बैठे रोटी देने से आदमी कुत्ता बन जाता है, कुत्ता। और हम तुमको कुत्ता नहीं बनने देंगे, समझे? बोलो, हाँ हम काम करेंगे, हाँ बोलो। अरे बुड्ढा साला हमको बात बात पर हरका रहा है, हम काला कद्दू और हमको कोई अपने घर में बुला कर हरका रहा है और हम हरक जाएंगे, अभी उतार दे इसका मस्ती। अरे बुड्ढा ज्यादा नहीं बोलेगा अपने सामने। अरे क्यों क्या एकदम देख नहीं रहा कोई घंटी बजा रहा है? पहले देखेंगे कौन आया है, तुम्हारा बकवास सुनेंगे, हाँ चुप। अरे उल्लू का पट्टा, उठ के देखता कहीं नहीं, देखे कौन आया है, देखता कहीं नहीं है, देख देख क्या बताओ कौन आया है, चुप। अरे हाँ जा रहे चिल्लाते का हर बात पे, बार बार उल्लू का पट्टा बोल रहे। अरे हाँ जाओ जाओ, नहीं बोलेंगे, जाओ चुप। काम वाली भाई आई है, आते हम काम करवा के। अरे चुप रहो बैठे हैं, तुम काम वाला भाई से काम करवाएगा? तुम्हारे ऊपर वो आरोप लगा के गई है कि तुम उसको घूरते रहता है। तुम बैठो, हम जाके उससे काम करवाएंगे, ऐसे भी वो भी काम चोर नहीं कहीं की काम नहीं करती है सही से, बोलेंगे रगड़ रगड़ के पहुंचा लगाओ और झाड़ू लगाओ, हम घूर के देखेंगे उसको सही से काम करती है कि नहीं। ये बुड्ढा तो हमको रंगीन मिजाज का लग रहा है, अपना बेटा बोल रहा है तुम पर आरोप लगाइए कि तुम घूर के देखता है, और अपने बोल रहा है हम जाएंगे काम कराने के लिए और घूर कर देखेंगे। वाह रे वाह, कहाँ भेज दिए पापा तुमको, अब तो लग रहा है हमारा यह दिन रोड़ों कर कटेगा। अरे हम नहीं घूरते उसको, आप बोलते ध्यान देके काम कराया करो तो देखना पड़ता है, तो उल्टा सीधा आरोप लगा देती है तो आप मान लेते हैं? उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाइए और हम नहीं कराएंगे काम, आपसे हम पे उल्टा सीधा आरोप लगाइएगा तो जाइए आप ही कराइए। अरे भाग साले भाग, हमारा नजर के सामने सोचो उल्लू का पट्टा, तुमने कला कलू था, चूहा का बिस्कुट खाओ, समझे? हम आते हैं काम करवा के, बाप का घर में आए हो, बैठे हो पसर के, तुमको देगा सेवा सत्कार देगा यहाँ पे ना लोग सब बैठ के सामने में कि तुम आए हो ना काला कद्दू से बात करेंगे, बहुत बड़का रही जो आए हो तुम, तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारा सेवा सत्कार करेंगे, मारेंगे जूता मुंह तोड़ देंगे, नहा लिए हो तो कोई काम का नहीं करते हो घर का, हा? नहीं कर सकते हो, कितना काम है घर में, जाला लगा हुआ घर में जाके साफ करो, बैठ गए हो। अरे अब इस साल किसका फोन आ गया रे, जब तक फोन करता है। हेलो कौन है? फूफा जी हम गोरा कद्दू बोल रहे हैं, कैसे है? देखो गोरा कद्दू तुम हमको फूफा बोले, तुम्हारा ही काला कद्दू निकम्मा भाई हमको अंकल बोलता है। अरे फूफा जी वो तो पागल है पागल, उसको कुछ तमीज है बात करने का, बड़े से बात कैसे किया जाता है, अंग्रेजी बोलता है, आता है नहीं अंग्रेजी बोलेगा। अरे अब इस ओर भी फोन पर चालू हो गया, साला कद्दू फोन पे बैठ कर बहुत बकैती कर रहा है ना, यहाँ आएगा तब पता चलेगा इसका फूफा कैसा है, साला रंगीन मिजाज का घटिया आदमी है ये तो। हमको बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम घूमने जाएंगे, इस साला यहाँ कर और फलते हैं, घर अच्छा बना कर रखा है लेकिन यहाँ पर सोच घटिया है इस लोग का, और खाता क्या है चूहा छिपकली, साला हमको भी लगता है जबरदस्ती खिला देगा, हमारा मुँह का टेस्ट खराब हो जाएगा। अरे बताओ गोरा कद्दू कैसे याद किए अपना फूफा जी को? अरे फूफा जी बस याद आ गया तो सोचे फोन कर देते, ये बोलने के लिए किए थे कि काला कद्दू घर का काम से बचने के लिए आपके पास घूमने के लिए आया है, कह रहा था वहाँ जाके फ्री का रोटी तोड़ेंगे, तो देखिएगा थोड़ा सा काम हम भी करवाइएगा उससे, नहीं तो पीटिएगा उसको, चिंता नहीं कीजिए पापा कुछ नहीं बोलेंगे, बैठा रहेगा तो कुरिया हो जाएगा, फिर घर पे भी काम नहीं करेगा, इसीलिए फोन किए थे आपको, ध्यान दीजिएगा। और पापा हमको बोल के गए कि फूफा जी को बोल देना काम बढ़िया से करवाएंगे, अपना बेटा समझ के भेदभाव नहीं करेंगे, उल्टे 2 काम ज्यादा ही दे देंगे काला कल उठा को, ठीक है फूफा जी? अरे गोरा कद्दू बेटा तुम बोल दीजिए ना, चिंता मत करो, हमको तो शक था इसके ऊपर कि काम की वजह से तो यहाँ पे आया है कोरिया साला, हम तो इसको बोल ही रहे थे हम काम करवाएंगे, फ्री का रोटी नहीं देंगे, नहीं तो कुत्ता बन जाओगे, अब देखो ना इससे गधा की तरह काम करवाते हैं, करेगा गधा की तरह काम, नहीं करेगा तो देंगे ना पीछे में 1 लात, कभी ना देंगे रात में चूहा और भात। अच्छा फूफा जी चूहा भी खिलाइएगा? खिलाइए खिलाइए चूहा खिलाइए, एक काम कीजिएगा हमारा हिस्सा का भी अलग से खिलाइएगा उसको, मजा आ जाएगा उसको, बढ़िया लगता है नाटक करता है, बस एक आदमी होता है ना जिसको बढ़िया लगता है खा लेता है बाद में, लेकिन बोलता है नहीं बढ़िया कहता वही काला कद्दू है, बढ़िया सब लगता है उसको नाटक करता है। साला डेरी बकबक कर रहा फोन पर, अभी हमने सामने होता तो गला दबा देते साले का, रे गोरा कद्दू पगलेट कहीं का, सोच समझ कर बात किया करो, कुछ भी बोलते रहता है, फोन रखो। रे देख रहा है हम बात कर रहे हैं, बीच में कैसे बोला रे तुम, बीच में कैसे बोला, हमारा घर में बीच में बोलेगा ना तो बीच से काट देंगे तुमको, समझा? किचन में बर्तन पड़ा है मांझ के आ बढ़िया से, समझे? और अगर हमको हल्का सा भी झूठा नजर आया बर्तन में तो देखे तोड़ देंगे तुम्हारा, कल कल।
ठीक है बेटा, बोला कर फोन रखो। अपना फूफा जी के यहाँ है तुम्हारा भाई, हम ठीक कर देंगे उसको, बढ़िया से घुमाएंगे, बढ़िया से काम भी कराएंगे। आएगा ना तो तुम बोलोगे हाँ मेरा भाई कुछ तमीज सीख के आया है। ठीक है, रखते हैं। और पापा को बोलना उनका काम हो जाएगा, चिंता ना करे। ठीक है, ठीक है फूफा जी। और तुम रे बैठ के सुअर के तरह मुंह क्या देख रहा है, बोले ना तुमको किचन में जाके बर्तन मांजो। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना आपको पता चलेगा इस काला कलूटा को हम कैसे ठीक करते हैं। देखिएगा हम बांस करेंगे इसको, इसका बाप हमको इसको ठीक करने का ड्यूटी दिया है, समझे। इसीलिए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए और कैसे इसको हम सुधारे, कौन कौन सा इसका गंदा आदत है जो हमको सुधारना है, कमेंट कीजिए।